हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। अभी बज रहे सुबह के 7, मैं भी सो के उठी। ये सो के उठ गए थे, 5 बजे ही गए थे मम्मी लोग को, गए हैं सॉरी गए मम्मी पापा को ड्रॉप करने स्टेशन। तो बस वहीं गए और वहाँ से जाके आएंगे। और मम्मी पापा की ट्रेन, अभी मम्मी से बात हुआ तो छूट गई है, मतलब ये ट्रेन में बैठा दिया और उसके बाद अभी आने में तो टाइम लगेगा ही। मैं प्लेटफॉर्म से निकलेंगे फिर वहाँ से आएंगे तो टाइम लगेगा। तो बस अभी आते होंगे, उसके पहले मैंने ना झाड़ू मार लिया घर में, अच्छे से झाड़ू मार के हो गया और अब चल रही ब्रश वगैरह करूँगी, फ्रेश होंगी। उसके बाद टिफ़िन वगैरह बनाना है डुगू का, इनका आज है मंडे तो वीक का पहला दिन है। तो अच्छा लग रहा है सुबह उठते ना तो उठती हूँ, बट ब्लॉगिंग नहीं शुरू करती हूँ और चल रही हूँ फटाफट से। पहले मैं थोड़ा भी मैं कल लेट नहीं करूँगी, मेरा सुबह का ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि फिर मैं उठती हूँ ना तो सोचती हूँ ये करना है, इसलिए मैं फिर प्लानिंग में ही रह जाती हूँ, इसलिए नहीं। और अभी जाना है छटपटा माता की पूजा, कुछ ऐसी मतलब बहुत बड़ी मन्नत थी वो, ऑन मतलब मैं वीडियो में नहीं बता सकती, वो मेरा चीज़ नहीं था, दूसरे का था, इसलिए मैं बता नहीं सकती। तो मैंने वो चीज़ के लिए मन्नत मांगी थी तो आज पूरी होगी, तो इसलिए छटपटा माता की पूजा तो मेरे घर नहीं है, मीना के घर है। मीना ने भी सेम मन्नत मांगी थी तो मीना और मैं साथ नहीं कर दे रहे, तो मीना के घर पे कर दे रहे हैं, तो इसीलिए बस वहीं पर जाना रहेगा, तो वहाँ जाऊँगी। उसके बाद जैसा भी रहेगा दिन आपके साथ तो शेयर ही होगा, आपके साथ क्या छुपा रहता है। तो बस वही सब है, चलती हूँ, मिलती थोड़ी देर बाद, थोड़ा फिर से काम कर लूँ मैं। तो मैं रेडी हो गई, वैसे बाल गीला है इसलिए बाल, लेकिन गीला था ना तो भी मैंने जूड़ा कर लिया क्योंकि ये बहुत बाल खींचता है। इसको भी नहला दी, मालिश कर दिया थोड़ा जल्दी जल्दी, अब इसको नींद आई है, रो रहा है। तब चल रही मीना के घर पे सुला के फिर पूजा में बैठूंगी। पीटू का साड़ी है, पीटू को भी साड़ी पहनाना है, उसको मैंने बोला है आजा जल्दी से पहना दो क्योंकि 12 बजे से उसका कॉलेज है, 12 बजे का, तो 12 बजे तो मैं पूजा में रहूँगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको जल्दी पहना दूँगी, फिर अपना मेकअप करके चली जाएगी। लिपस्टिक फैल गई, हर माई जब से चली गई बड़ी परेशानी आओ तो कहते तुम्हें तो भेजू माँ चल चली ना माई तो खाई गया छोड़ के आओ तो हर व्यू चुका जाता रहा, हर को मन चटी मेरा रुखा रहे तो हर चुक जाता रहा, ऐसे ऐसे बात है। सो फाइनली पूजा अच्छे से हो गई, अभी आरती वगैरह होने के बाद हम लोग प्रसाद चाट रहे क्योंकि चटपटा माता में प्रसाद चाट के खाया जाता है पत्ते पे, तो वही हम लोग खा रहे हैं। और उसके बाद मीना, हम लोग थोड़ा सा जाने लगते हैं ना तो कोई पीछे से बुलाना चाहिए, तो बस मीना बुला रही है। उसके बाद अभी सब लोग चले जाएँगे, फिर सब लोग चले गए तो मैं दीदी नहीं खाए थे, सबको दे ही रहे थे, तो इसीलिए अब हम लोग दोनों खा रहे हैं। सो हम लोग की पूजा हो गई, सारे लोग जा चुके हैं, यहाँ दीदी मम्मी हम लोग सब थोड़ा सा गप्पे मारे उसके बाद जाएंगे। और यहाँ भी देखो खेल रहे हैं, ये सिर्फ झूले में सोता है और कहीं नहीं, टिकली कितनी बड़ी है, अब चेंज कर लेती हूँ। सो पूजा भी टाइम पे हो गई और हम लोग ने खा भी लिया, तब तक पीटू भी आ गई, अब उसको रेडी करने चलना है। तो पीटू को मैंने बोला चलो तब तक ना तू ड्रेस चेंज कर, उसके बाद मैं आ रही हूँ साड़ी पहना देने, देखो साड़ी भी पहना दिया है तो अब साड़ी पहन के रेडी है। लेकिन उसका कुछ ना मिस हो गया था, इयररिंग कैसे कुछ घूम हो गया था, तो फिर खुशी से मंगाया, वो ला रही है। तो यहाँ पे देखो तब तक से जब तक खुशी ना इयररिंग का जो पीछे का टप्स होता है ना वो लेके आ रही, तब तक मैं इसको यहाँ पे मेकअप कर दे रही हूँ। सब लोग बच्चे ना मुझसे ही मेकअप कराते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं आता, आता है, बट क्या होता है ना कि अब बच्चे तो बच्चे हैं कि मतलब ऐसे कहीं जाना है स्पेशली तो उस चीज़ के लिए कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मुझसे मेकअप करा रहे हैं। तो बस वही मैं सबका कर दे रही हूँ। अब मुझे ना ऐसा नहीं होता कि बड़े या छोटे जो भी बोल देना अगर हेल्प के लिए, तो पता नहीं कि मुझे ऐसा, मैं बहुत खुशी मन से करती हूँ। एक होता है जिम्मेदारी समझ के, एक होता है कि अपना शौक समझ के करो, तो मैं शौक समझ के करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए बच्चे भी मेरे पास आते हैं कि मौसी एकदम अच्छे से मतलब मन से करती है, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करके, तो इसीलिए मैं फटाफट से कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मेकअप का वो सामान लाई थी तो मीना का मैंने यूज़ किया है क्योंकि मीना के पास भी था, तो मैं मीना का फटाफट से यूज़ कर दे रही हूँ क्योंकि पीटू को तो पता नहीं था क्या कुछ लाना है। तो फाइनली मेकअप डन हो गया, मैं लिपस्टिक लगा दे रही हूँ पीटू के अकॉर्डिंग, जो जैसा साड़ी पहनी है तो उस हिसाब से मैंने लिपस्टिक का शेड यूज़ किया है। तो आप लोगों को मैं अब लुक दिखाती हूँ, इतना अच्छी दिख रही थी ना लिटरली, वैसे तो वीडियो में अच्छे से आया नहीं है बट फिर भी जितना मैंने वीडियो में ले सका उतने। सो ये देखो फाइनली पीटू रेडी है, मैं इसका फोटो ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग लिटरली उसमें मेकअप देखोगे, बहुत ही सुंदर था।
सो हो गया है नेक्स्ट डे ट्यूसडे, तो दीदी ने यहाँ पे शिव चर्चा मंदिर में रखी है, तो बस हम लोग वहीं पे आए हैं। अभी बज रहे हैं 1 और अभी बस दीदी पूजा करी, उसके बाद अभी बस थोड़े लोग ही आए हैं, शुरुआत होने चल रहा है शिव चर्चा का। किस किस को पता है बताना ज़रूर, मैंने अभी तक अपने घर पर नहीं किया है, बट जल्दी ही सोच भी करूँगी, बट भगवान पहले उस वो दिन लाए तो मैं करूँ ज़रूर। चली गई थी जबकि उठना नहीं चाहिए शिव चर्चा से, लेकिन छोटा बच्चा तो रो रहा था तो पीटू को रख के आई हूँ, वो अब सो रहा है झुलाने के लिए, हमेशा दिखाते हैं। सो फाइनली शिव चर्चा कम्प्लीट हुई और अभी ये ना मेन प्रसाद पंजीरी है, ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। हाँ ओम कैसे लग रहे हैं देखो, ऐसे नहीं नहीं ये देखा ऐसे, अब मुझे दिखा देखो ओम का समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ अब समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स अभी आ गई मैं घर और आती पहले चेंज की, इसको देखो ये भी रो रहा था, बहुत बेचारा बहुत ज़्यादा सीधा है, भूख लगती फिर भी नहीं लौटता मम्मा में, क्यूटी क्यूटी है, अभी खेल रहा है। अभी ऑफिस से आई नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ 2 दिन से, कल भी गई थी चटपटा पूजा में, फिर दोपहर में शिव चर्चा थी, आज सिर्फ दीदी ने शिव चर्चा करवाई तो वहाँ गई थी, कंटिन्यू 3 घंटा बैठना होता है, फिर आरती वगैरह वो अलग से। सो ये सारा कुछ करके अभी आई घर, फिर पूजा की घर पे भी शाम हो गई ना, तो अभी लेटी हूँ, डुगू को लगा दी हूँ कार्टून, थोड़ा सा लेट गई, ये तो अच्छा है कि अभी खाना नहीं बनाना, नहीं तो और थक जाती, ये बोले नहीं मैं खाना खा के आऊँगा तो नहीं बनाना, तो इसलिए इनका खाना नहीं बनाऊँगी और मेरा भी नहीं खाना, क्योंकि दीदी ने ना नाश्ते में रखा था आलू दम तो वो खा लिए थे सब लोग, तो मेरा भी पेट मेरा भरा है, डुगू के लिए खाना है तो हो जाएगा। मेरी आवाज़ एकदम लो है, बहुत ज़्यादा थक गई, बैक पेन हो रहा है, वीडियो कल से शुरू है, मैंने कुछ भी क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं, मेरा ना मन ही नहीं होता लिटरली बताओ सच में, अब ना एकदम से धीरे धीरे मन उठते हटते ही जा रहा है, क्योंकि उतना आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, सो इसीलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो नहीं देखते वीडियो, बाकी तो जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे अपोजिट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे क्यों कर रहे यार, प्लीज़ 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 एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस, और क्या ही बोल सकती हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हो गया है वेडनेसडे और मैंने ना वीडियो एडिट नहीं किया था, एंड भी नहीं किया था, एडिट भी नहीं किया था, तो वीडियो एडिट हो चुका है बट फाइनली लास्ट में देख रही हूँ तो वीडियो एंड ही नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, आप लोग को कुछ जो चीज़ नहीं बताई थी वो बता देती हूँ। मैंने नोज़ पिन चेंज कर ली, अब नोज़ पिन पहन लिया नोज़ रिंग निकाल के, सो थोड़ा सा फेस अलग लग रहा है बट ठीक है, 1-2 दिन ख़राब लगेगा उसके बाद अच्छा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताती ना कि लास्ट में मैंने जो वीडियो शिव चर्चा का डाला था ना, वो इसलिए होता है ना कि ऐसे सब लोग बोलते हैं कि भगवान उस पर छाप छोड़ के जाते हैं, क्या छाप छोड़ते हैं, या तो डमरू बनते हैं, या तो स्वास्तिक बनते हैं, या तो ओम बनते हैं, त्रिशूल बनते हैं ऐसे, तो उस दिन बने थे ओम, मतलब कल बने थे ओम, तो सच में ये मैं भी नहीं मानती थी क्योंकि मैंने कभी शिव चर्चा देखा नहीं था, मैं 3 बार शिव चर्चा देख चुकी और तीनों में मैंने सामने से देखा है, एक नज़र में ही ऐसे आ जाते कि हाँ क्या बना हुआ है, और वीडियो में वो नहीं दिखता होगा ध्यान क्लियरली, और तो अब इसको अंधविश्वास बोलो या जो भी बोलो, क्योंकि हम लोग तो पत्थर को ही तो मान के भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो वो भी अंधविश्वास ही है,
पर अगर मानो तो ही भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो रिकॉर्ड किया और सच में पूरा क्लियर पता चलते, तो ओम सच में क्लियर पता चल रहा था। किस किस को कौन कौन ये चीज़ को बिलीव करता है बताना कमेंट में। तो चलिए मिल करते हैं वीडियो को एंड, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। तो करती टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।